हाय गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपके जो आपके इस पे पिंपल्स हो जाते हैं और उसके जो मार्क्स पड़ जाती है, उसके लिए आपको क्या ट्राई करना चाहिए, ऐसी कौन सी क्रीम लगानी चाहिए या आपको सिरम लगाना चाहिए जिससे जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए और आपका जो फेस है जल्दी क्लियर हो जाए। सो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या लगाना चाहिए अपने फेस में जो कि बहुत जल्दी से इफेक्ट आए आपके मार्क्स पे, पिंपल्स में, और आपका फेस भी फेयर हो। चलिए आपको बताते हैं चीज क्या है। गेस करो, वो एक सीरम है जो कि है दिस इज अ 2% कोजिक एसिड फेस सीरम जो कि आपको बहुत अच्छे से आपके फेस को क्लियर, डार्क स्पॉट्स फ्री और पिंपल्स फ्री कर देगा विद इन 7 days। इट्स गारंटीड और आपको इसको डे और नाइट में दोनों टाइम लगाना है जिससे इफेक्ट कम जल्दी दिखे। चलिए देख रहे हैं यूज़ कैसे करना है। और देखिए, मेरी तो बॉटल ही ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई क्योंकि बहुत अच्छा है और ये फेस में बहुत अच्छा ग्लो देता है और आपका फेस क्लियर करता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए इसको ट्राई। कोई शाइन नजर आती है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत ही अच्छे से ग्रो भी देता है। और जब आप फेस में कोई सीरम या कोई भी चीज़ अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपने कोई भी सीरम वगैरह इस्तेमाल करो तो जैसे कि आपका फेस है, आपका फेस है, तो आपको ऐसे अच्छे से थोड़ा सा बहुत लाइट हैंड से अपने फिंगर टिप से बहुत ऐसे थोड़ा सा 2 सेकंड बस मसाज करना है और अपने फेस के अपवर्ड ऐसे से मसाज कर सकते हो और टैपिंग भी कर सकते हो जिससे और अच्छे से एब्जॉर्ब होगा प्रोडक्ट और बहुत अच्छा इफेक्ट दिखेगा। लेकिन सिर्फ इसे ही नहीं लगाना, इसके बाद आपको मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाना है क्योंकि अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाओगे तो वो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। मॉइस्चराइजर लगाओगे तो आपका विंटर सीजन में बहुत अच्छा नरिशमेंट भी मिलेगा। तो मैं कौन सा मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सा मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ। आई यूज़ साइबर हाइड्रा मॉइस्चराइजिंग लोशन, मॉइस्चराइजिंग रिस्टोर द प्रोटेक्टिव स्किन बैरियर्स, और ये पैराबेन फ्री भी है और एल्कोहल फ्री भी है। ये देखिए pH 5.5, स्किन फ्रेंडली है, फ्रेग्रेंस फ्री, पैराबेन फ्री, सब कुछ है ये, और ये क्लिनिकल टेस्टेड भी है और ये मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया था। तो चलिए अब इस सीरम के बाद हम अपना मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए मैं यूज़ करती हूँ ना, तो ऐसा है तो प्लीज़ डोंट माइंड, आप अच्छी क्वांटिटी में लगाइएगा क्योंकि विंटर सीजन है और विंटर में आपको मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाना चाहिए। तो आप अच्छे से इसको लगा लीजिए, कोई वाइट स्कार्स नहीं छोड़ता और कोई इतना ऑयली नहीं है, बहुत अच्छा है। आप यूज़ करेंगे तो आपको खुद इफेक्ट पता चलेगा। आप पूरे फेस में अच्छे से मसाज करते हुए लगा सकते हैं और आपके फेस में बहुत अच्छा इफेक्ट भी देगा। तो यार, मैं आपको बता रही थी कि आपको ये यूज़ करना है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपको स्किन से, पाक से और डार्क स्पॉट से रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए तो आपके लिए 2% कोजिक एसिड सीरम बहुत बेस्ट है। तो प्लीज़ एक बार ट्राई करें और 7 days चैलेंज लो और आपको ज़रूर इफेक्ट मिलेगा। तो अब तक के लिए बाय बाय और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो और फिर से मुझे एक नई वीडियो मैं लाऊंगी और आपको नया कॉन्टेंट दिखाऊंगी। तब के लिए बाय बाय। As I'm my bestie in a taxi, fresh blowout, skin on town, she ready. Bitch, you look good with a T at the end. I'ma hype it every time, not my motherfucking.